Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ मतलब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को सरल भाषा में समझेंगे। गवर्नेस, घर में बच्चों की देखभाल करने वाली महिला। रूबल, रुपया। अनर्थ, भारी गलती, अनहोनी होना। नागा, अनुपस्थिति। क्रूर, निर्दयी। बोदा, दब्बू, कमजोर। निर्मम, निष्ठुर। यकीन, विश्वास। अस्तित्व, सत्ता। पाठ दो, कठिन शब्द। नंबर एक, गवर्नेस। नंबर दो, शिक्षिका। नंबर तीन, छुट्टियां। नंबर चार, 19। नंबर पाँच, छलक। नंबर छः, अनर्थ। नंबर सात, अश्रु भरे। नंबर आठ, छल छला। नंबर नौ, क्रूर। नंबर दस, अस्तित्व। बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न एक, जूलिया कौन थी? उत्तर, जूलिया लेखक के घर में बच्चों को पढ़ाने वाली महिला थी, जिसे गवर्नेस कहते हैं। प्रश्न दो, जूलिया की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? उत्तर, जूलिया की तनख्वाह 40 रूबल महीना तय हुई थी। प्रश्न तीन, लेखक के अनुसार कितने रविवार को जूलिया ने काम नहीं किया था? उत्तर, लेखक के अनुसार जूलिया ने 9 रविवार काम नहीं किया था। प्रश्न चार, अगर आपके साथ ऐसा अन्याय हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो तो हम अन्याय का विरोध करेंगे। तो बच्चों, अब लिखित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न एक, जूलिया का चेहरा पीला क्यों पड़ गया? उत्तर, जूलिया का चेहरा पीला इसलिए पड़ गया क्योंकि लेखक उसकी तनख्वाह में से 12 दिन के पैसे काट रहे थे और बाकी सभी चीज़ों के पैसे काट कर उसे 11 रूबल दे रहे थे, जबकि उसकी तनख्वाह 40 रूबल महीना तय हुई थी। प्रश्न दो, जूलिया की आंखों में आंसू क्यों छलक आए? उत्तर, जूलिया की आंखों में आंसू इसलिए छलक आए क्योंकि लेखक ने उसके वेतन में से बहुत सारे रूबल काट लिए थे और वह उस पर अन्य बातों के विषय में इल्जाम लगा रहा था। प्रश्न तीन, लेखक ने जूलिया के कितने रूबल काट दिए? उत्तर, लेखक ने जूलिया के वेतन 80 रूबल में से 49 रूबल काट लिए। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न एक, लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक क्यों किया? उत्तर, लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक इसलिए किया क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहता था। वह जूलिया से कहता है कि क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, वह खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए। हमें अपने इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। प्रश्न दो, लेखक के विचार से आप सहमत हैं या असहमत? सोचकर लिखिए। उत्तर, हम लेखक के विचार से पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि इस संसार में अत्याचार करने वाला ही अपराधी नहीं होता, वरन अत्याचार सहन करने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस संसार से लड़ना होगा।
प्रश्न 3, जूलिया में विशेष गुण कौन कौन से थे? उत्तर, जूलिया एक सीधी सादी, निर्दोष, सत्यवादी, परिश्रमी और साधारण महिला थी। निम्नलिखित संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनिए। नंबर 1, पहली जनवरी को जूलिया ने क्या तोड़ा था? क, आम। ख, प्लेट और प्याली। ग, सोफा। ख, प्लेट और प्याली। नंबर 2, कोलिया की जैकेट फट जाने पर लेखक ने जूलिया के कितने रूबल कम किए? क, 2 रूबल। ख, 10 रूबल। ग, 5 रूबल। ख, 10 रूबल। नंबर 3, 10 जनवरी को लेखक ने जूलिया को कितने रूबल दिए थे? क, 5 रूबल। ख, 10 रूबल। ग, 15 रूबल। ख, 10 रूबल। विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। विलोम अर्थात अपोजिट शब्द। घृणा, प्रेम। न्याय, अन्याय। निडर, डरपोक। मुलायम, कठोर। शाम, सुबह। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। विद्वान, विदुषी। कवि, कवित्री। सम्राट, साम्राज्ञी। प्रशासक, प्रशासिका। नर, नारी। मालिक, मालकिन। बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा आदि। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। हंसना, हंसी। भला, भलाई। सज्जन, सज्जनता। घबराना, घबराहट। हारना, हार। सुंदर, सुंदरता। शत्रु, शत्रुता। मीठा, मिठास। लोभी, लोभ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। शब्दकोश अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हिसाब, तनख्वाह। पैसा, प्याली। महीना, दांत। नौकरानी, जनवरी। नुकसान, काम। तो बच्चों, सबसे पहले आता है काम, उसके बाद जनवरी, उसके बाद तनख्वाह, उसके बाद दांत, उसके बाद नुकसान, उसके बाद नौकरानी, उसके बाद प्याली, उसके बाद पैसा, उसके बाद महीना और फिर अंत में हिसाब।